तत्पुरुष समास के प्रकार की जो हम छह प्रकार की बात कर रहे थे वो हमारा लास्ट बचा है, छठवां प्रकार है ये अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे हमने कारक में लिखा है हमारा लास्ट छह, इसमें अधिकरण कारक है ना, तो हमारा वही तत्पुरुष बचा था अधिकरण तत्पुरुष समास, ये हमारा लास्ट और आखिरी है। अब तत्पुरुष समास के प्रकार जो है खत्म हो जाएगा, तत्पुरुष समास यानी लास्ट है अब आपका। तो तत्पुरुष समास की हम परिभाषा देख लेते हैं, जहाँ शब्दों को अलग करने में पर कारक विभक्ति आए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ लिखा है ना में पर कारक विभक्ति आए, जैसे मैंने आपको सब में बता चुका है कि कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपादन में, सब में विभक्ति आए, संबंध में भी आए काके की, इसी तरह अधिकरण ये हमारा लास्ट है, इसी को हम पढ़ रहे हैं आज। अधिकरण में पर जो आ रहा है हमारा, तो अधिकरण में पर, तो उसमें अगर ये कारक विभक्ति आती है तो हमारा कौन सा तत्पुरुष बनता है, अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। तो हम एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ अगर दिया है आपको कवि श्रेष्ठ, तो क्या लिखेंगे कवियों में श्रेष्ठ, अलग करने पर यानी विग्रह करने पर, कवियों में श्रेष्ठ में आ रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे हमारे सेंटेंस में ये कवियों में श्रेष्ठ आ रहा है, बीच में विभक्ति इसकी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि आप दूर दूर थोड़ा आप दिख जाए, आपको समझ में आ जाए कवियों में श्रेष्ठ, यहाँ विभक्ति आया। दूसरा देखते हैं गृह प्रवेश, ऐसा दिया है गृह प्रवेश, एक में दिया है गृह प्रवेश, अब इसे विग्रह कर दोगे तो गृह में प्रवेश, यहाँ आ रही है में अलग करने पर, में विभक्ति अधिकरण की, तो में ये कौन सा हो गया तत्पुरुष समास, में आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास। तीसरा देखते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कंफ्यूज हो जाएगा पुरुषोत्तम कैसे विग्रह करें, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है कौन है पुरुषोत्तम, ये है पुरुषोत्तम में आ गया, ठीक है में उसकी किए हम विभक्ति हुआ में आ गई पुरुषों में उत्तम। जलमग्न, जल में मग्न, क्या हुआ जल में मग्न, ये हमारी में विभक्ति आ गई। इसी तरह हम ये देखते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को तो आप जानते ही होंगे कैसे थे, उनके स्वभाव थे, महाभारत बहुत लोगों ने महाभारत देखा होगा, युधिष्ठिर वही युधिष्ठिर की यहाँ बात हो रही है, युधिष्ठिर तो युद्ध में वो कैसे थे, बहुत ही सोच समझकर और स्थिरता से वो कोई चीज़ का निर्णय लेते थे, युद्ध में क्या रहते थे स्थिर रहते थे माइंड से, ये नहीं तुरंत किसी आपे में आ जाना कुछ भी कर देना निर्णय ले लेना ऐसा नहीं, वो उन्हीं की बात हो रही युधिष्ठिर, तो युद्ध में कैसे थे युद्ध में स्थिर, यहाँ में आ रहा है में, हमारी में विभक्ति आ रही है तो कौन सा हुआ युधिष्ठिर में, अगर पूछा आपको ऐसे एग्जाम में पूछा गया भी है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो आप तत्पुरुष समास लिख सकते हैं, अगर ऐसा चार दिया रहेगा ऑप्शन कि अधिकरण है कि कर्म है, करण है, संप्रदान है, तो आप उसमें लिखोगे क्या अधिकरण होगा, क्योंकि इसमें में आ रहा है उसको विग्रह करने पर में आ रहा है, तो क्या हुआ युद्ध में स्थिर, तो युधिष्ठिर हो गया। सरणागत, इसमें भी कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है कि सरणागत तो विच्छेद करने पर क्या होगा विग्रह करेंगे, तो सरणागत सरण में आगत में आ रहा है यहाँ विग्रह करने पर सरण में आगत। इसी तरह देखिए मार्ग व्यय, मार्ग में व्यय जो खर्च होता है यानी व्यय मतलब खर्च होना, तो मार्ग में व्यय यहाँ भी हमारी में विभक्ति हो रही है, तो जहाँ भी आपको में विभक्ति दिखे आप समझ जाना कि वो अधिकरण तत्पुरुष समास है, और अगर विभक्ति कौन सी है तो उसमें वो सप्तमी विभक्ति जैसे द्वितीया प्रथमा तृतीया से होता है ना, तो इसमें प्रथमा को नहीं माना जाता है, आपको दिखाएं यहाँ पे मैंने प्रथमा नहीं लिखा है, ठीक है इसमें सप्तमी षष्ठी पंचमी चतुर्थी तृतीया द्वितीया की बात हुई है, इसमें प्रथमा और वो जो संबोधन ये सब की इसमें चर्चा नहीं की जाती, बस इसको तत्पुरुष समास में इतना ही इसको लेकर चला जाता है, इन्हीं ये कारक की विभक्तियों से वो बंधा हुआ है हमारा तत्पुरुष समास। तो यही है बस आप कारक की विभक्ति को याद रखो और हमारा तत्पुरुष समास तैयार हो जाता है, अगर तत्पुरुष समास भी पूछे तो भी आप बता लेंगे, अगर उसमें से ये कारक लगा के साथ अगर पूछता है कर्म करण संप्रदान तो भी आप बता लेते हैं, लेकिन आपको विभक्ति पता होना चाहिए। हमारा ये तत्पुरुष समास है जो ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसके छह प्रकार थे मैंने ये भी बता दिया आपको, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों,
और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करेंगे तो मेरा जो उत्साह है ना वो बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए वीडियो और लाऊंगी बनाऊंगी, मतलब जो भी हिंदी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें प्रॉब्लम रहेगी आप कमेंट कर दोगे, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर ज़रूर से ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी वो वीडियो। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।